बिहार में विधानसभा चुनाव की जंग अब तेज होने जा रही है। शुक्रवार के दिन राज्य में दिग्गजों के जवाब आंकड़े का दिन, जहां देश के बड़े नेता आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार बिहार में प्रचार की शुरुआत करने जा रही है, तो वही बसपा प्रमुख मायावती भी आज रैली करेंगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 13 में करो या मरो के मुकाबले में गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से मात दी। हैदराबाद में जीत के हीरो मनीष पांडे रहे। बिहार में कोई 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहा है तो कोई कोरोना का मुफ्त टीकाकरण देने की बात कर रहा। ऐसे में आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू सहित तमाम पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। ऐसे में देखते हैं कौन सी पार्टी किन वादों से साथ चुनाव मैदान में उतरी है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ हवा ज़्यादा खराब होने के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया और आगामी दो दिनों में इसके और खराब होने की संभावना है। हालांकि एनसीआर के बाकी 10 शहरों की हालात भी बेहद खराब है। एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्बे को लेकर काफी बवाल काटा जा रहा है। पूरे देश में कई संगठन इस समय इस फिल्म को बैन करने की मांग उठा रही है। किसी को फिल्म के टाइटल से तकलीफ है तो किसी को फिल्म का कंटेंट भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला लग रहा। अब राष्ट्रीय हिंदू सेना ने भी फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हुवाई ने आखिरकार अपनी नई मेट 40 सीरीज के फ्लैगशिप डिवाइसेस को लॉन्च कर दिया। इन लाइनअप में मेट 40, मेट 40 प्रो और मेट 40 प्रो प्लस को उतारा गया है। बिहार में माई समीकरण की बात करने वाले आरजेडी पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने बोला हमला। चौथी बार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी मिलने के बाद वह गृह क्षेत्र बाढ़ में आयोजित स्वागत समारोह पहुंचे। यहां उन्होंने कहा बिहार में MY यानी कि मुसलमान और यादव का समीकरण बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। समुद्री मिशन के लिए भारतीय नौसेना की 3 महिला पायलटों का पहला बैच तैयार किया गया। भारतीय नौसेना ने डोनियर विमान और मैराटाइम टोही मिशन के लिए लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी और लेफ्टिनेंट शिवांगी को तैयार किया है। करीब 5 दशक तक संसद भवन में खाना खिलाने के बाद अब उत्तरी रेलवे की विदाई तक वक्त आ गया है। 15 नवंबर से संसद भवन में खाना पकाने और खिलाने की जिम्मेदारी भारत पर्यटन विकास नगर निगम को मिलने जा रही है। ऐसे में उत्तरी रेलवे के कैंटीन कर्मचारियों को सामान समेटने के लिए कह दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की इस समय नींद उड़ी हुई है। उनका इस्तीफा मांग रहे विपक्षी के दो रैलियों में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ रहा। इसी बीच कराची में नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और सेना आमने सामने आ गई है। इससे गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए। इन सब की जड़ में इमरान खान है जिन्हें उखाड़ फेंकने की मुहिम शुरू हो गई। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए DNP इंडिया के साथ और देखते रहिए DNP इंडिया। साथ ही शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।